लिखाबली व्हाट्सएप ग्रुप में एक बहुत ही वायरल हो रहा है एक बात कि यहाँ जो एक फाइबर लाइन बिछाया गया है, तो इस फाइबर लाइन का जो गड्ढा खोदा गया था, तो उस गड्ढे पे हर किसी का गाड़ी जो है उस गड्ढे पर घुस के उसका गाड़ी का जो है नुकसान हो रहा है। हमारे लिखाबली के एक बुज़ुर्ग है जो उनका नाम है जो हमारे सीनियर सिटीजन से है लिखाबली से ताकि कहना, उनका गाड़ी है जो डैमेज हो गया है, तो व्हाट्सएप वो कुछ कह रहे थे वो, तो उसके बाद उसी तरह से हर किसी का गाड़ी जो है कि गड्ढे पर घुसने के कारण उनका गाड़ी डैमेज हो गया है, तो उस पर व्हाट्सएप पे यही चर्चा चल रहा है कि ये जो फाइबर बनाने वाले लोग जो है कि यहाँ वो किसके परमिशन से कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेकर कर रहे हैं या इंडिविजुअली वो खुद अपने खुद ही कर रहे हैं यहाँ काम। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए और हमें पब्लिक को भी जागना चाहिए कि इस काम को लेकर देखना चाहिए कि ये काम कौन करा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे करते रहेंगे तो जो जगह है, जो ये प्लेस है हमारे लिखाबली, कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। और अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आप लोगों को तो मैंने बता दिया कि मैं नियर स्टेट बैंक के नज़दीक खड़ा हूँ, लेकिन एक मेन चीज़ जो है कि यहाँ जो हमें जिस जगह खड़ा हूँ, ये हमारे लिखाबली के जो है एक एंट्रेंस गेट ही समझ लीजिए, ये एंट्रेंस गेट ही है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रोड है यहाँ लिखाबली का, उसका हालत काफ़ी ख़राब है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर कोई हमारा लिखाबली में अगर कोई मिनिस्टर आ जाता है, कोई नेता आ जाता है, तब क्या होता है कि जल्द से जल्द इस रोड को टेम्पोरेरी इस रोड को मरम्मत किया जाता है। और अदरवाइज़ दूसरे दिन में अगर ऐसे नॉर्मल डे में जैसे भी हो, यहाँ रोड का कुछ अता पता नहीं होता है। जब अगर बाहर से कोई अगर नेता आते हैं तो उन्हें दिखाने के लिए बस यहाँ पर रोड को टेम्पोरेरी मरम्मत किया जाता है। तो और एक बात बहुत वायरल हो रही है कि लिखाबली के जो लीरू कॉलोनी है और जो हमारे लिखाबली के जो मालनी थान है, जो उनका जो रास्ता है और ये लीरू का भी जो रास्ता है, वो कुछ दिन पहले उसको उस रास्ते को PWD डिपार्टमेंट की ओर से उसको बनाया गया था। तो उस रोड को बनाने के बाद बारिश देने के कारण भी वो रोड जो है जो पहले जैसे रोड था उससे भी बदतर हो गया है। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि हर साल सिर्फ बरसात के मौसम में और ये बरसात के समय ही ये काम को क्यों किया जाता है? इस काम को आपका विंटर सीजन में भी किया जा सकता है इस काम को, तो बरसात की सीज़न में ही इस रोड को क्यों ऐसे बनाया जाता है? जिस समय वक्त मिलता है उस वक्त में कभी वो काम किया नहीं जाता। तो इसी तरह मैं आपको बहुत सी चीज़ें जो हमें लिखाबली का जो रोड कंडीशन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो रोड है, यहाँ देखिए इस रोड का हालत ऐसा हो गया। यो फाइबर वाले तो अपने काम कर चले गए वो, लेकिन जो हमारा रोड है वो इस मड के कारण, इस कीचड़ के कारण ये रोड जो है बहुत ख़राब हो गया। तो इस चीज़ को हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे रोड को सही तरह से देखे और जाँचे इसे। तो चलिए मैं इसके आगे मैं आपको और दिखाता हूँ इस रोड का जो कंडीशन है किस तरह से। और ये रोड का जो कंडीशन है ये अभी से नहीं, ये कई सालों से हमारा लिखाबली का जो रोड है, हमारा जो रोड है आकाजांतू जो बामे का रोड है, वो उसका स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो चलिए मैं आपको आगे की ओर लेकर जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इस रोड के जो कंडीशन है। रोड ख़राब होने का जो वजह है, कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जो मैं उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो बिल्डिंग है,
मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो बिल्डिंग को देखा है, ये जो बिल्डिंग है वहाँ से जो पानी जो नीचे जो गिर कर आते हैं, यहाँ से जो ये जो पानी है, पानी जो इधर से आता है, वो पानी इधर से आकर हमारे जो ये हाईवे रोड है, हाईवे रोड की ओर जाता है। तो ऑब्वियसली आपको ये पता होगा कि हाईवे रोड पे अगर पानी आ जाता है तो पानी आने के कारण से ही रोड ख़राब होता है। तो इस जगह को भी देखिए, ये जगह काफ़ी ऊँचा है और यहाँ डाउन है रोड पर, इसी के कारण पानी यहाँ हमारे हाईवे रोड जो है यहाँ आकर हमारा हाईवे रोड ख़राब हो जाता है। इस ऑपोजिट में जो ये रोड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कौन जो लगाया जाता है किसके लिए, वो आप सभी को पता है कि दैट मीन्स यहाँ रोड का कंडीशन कुछ ख़राब है या कुछ डेंजर जोन है यहाँ, इसलिए यहाँ आने को मना है, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस रोड का जो कंडीशन है, यहाँ कितना गड्ढा हो गया है। जबकि गाड़ी को जो है रास्ते के बीचों बीच से जाना चाहिए तो मजबूरन गाड़ी को रास्ते के किनार से होकर जाना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये जो है ये रोड का कंडीशन है। आप मेरे पाँव को देखिए, ये जो रोड लेवल है और ये जो ये डाउन लेवल है, इसको आप देखिए ये कहाँ पर है। इस रोड लेवल को लेकर मेरे पाँव को देखिए, मेरे पाँव कितने अंदर घुस गए, तो आप देखिए कम से कम ये एक फुट के अंदर, एक फुट से ज़्यादा ये जो गड्ढे के अंदर घुस गए। और यहाँ है इस जगह पे मैं किस आपको दिखाना चाहूँगा, ये है कीचड़ का मलबा, ये है कीचड़ का मलबा और ये है लिखाबली का रोड कंडीशन, जो कि ये रोड जो है आपका लिखाबली टू जो बामे का जो रोड है उसका ये कंडीशन है। यहाँ मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा गाड़ी को वो दिखाए, यहाँ देखिए लोग गाड़ी चलाकर तो आ रहे अपने वे से, लेकिन मजबूरन उसे दूसरी रास्ते की ओर लेना पड़ रहा है। यहाँ से ये जो रोड है, मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो रोड को दिखाए इसके नीचे किसे। तो चलिए ये एक बार देख लीजिए, इस गाड़ी को देख लीजिए, ये देखिए ये है रोड का कंडीशन। आप इस गाड़ी को देखिएगा, तो देखिए मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो गाड़ी को उधर के गाड़ी को दिखाए, देखिए गाड़ी को मजबूरन रास्ते के बीचों बीच से नहीं होकर उसे किनार से होकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा रोड ख़राब है यहाँ, तो मजबूरन उसे इधर से उस कोने से होकर जाना पड़ रहा है। तो देखिए ये है आकाजंटू बामे रोड। मैं आपको बार बार ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये रोड अभी से नहीं, ये काफ़ी साल हो गया है ये रोड को बना हुआ, लेकिन जो हमारे NHIDCL के जो है उन्हें भी इन चीज़ को थोड़ा देखना चाहिए, और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को, इस कारण को। आपको तो पता होगा कि ये इस रोड से आप भी आना जाना करते हैं, तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सारा पब्लिक के लिए ही ये रोड है, तो रोड हमारे लिए, तो अगर रोड नहीं तो आप कैसे जाएंगे। इस कोने का जो हालत है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इस कोने का जो हालत है इस तरह से हो गया है, ये देखिए तो रोड का कंडीशन इस तरह से हो गया है। तो चलिए हम इस रास्ते को लेकर हम कुछ बाज़ार वालों से हम कुछ सवाल करते हैं। चलिए ये लिखाबली का जो रोड है ना, हाँ ये काफ़ी साल से ख़राब है, हाँ आप क्या कहना चाहेंगे। रोड तो सर अभी ख़राब है, दिखाई दे रहा है, देखिए अब बाइक जाता है तो पलटी हो जाता है, गाड़ी जाता है तो बेंड हो जाता है, पूरा रास्ता पूरा ख़राब हो गया, हमेशा गिरते रहता है। अब तो हमेशा इस रोड के नज़दीक आप रहते हो, हाँ जी, तो अभी तक आपने क्या क्या घटनाएं देखा है इस रास्ते? घटना तो हम यहाँ पर तो बहुत कुछ मतलब देखते रहते हैं। क्या क्या यहाँ पर देखिए, यह काल में देखिए एक बाइक गिर गया, छोटा सा एक गाड़ी मतलब पलटी होने लगा था, लेकिन लाख लाख बच गया वो, फिर भी मतलब फिर शाम को एक गाड़ी आया है वो भी ऐसे ही है, फिर बाइक तो दो वाला बाइक मतलब गिरा है, बाद में एक बाइक तो हमने जाके उठा दिया आस्ते से जाके, ऑटो भी गिरा था, हाँ पालटी मारा था, हाँ गया सोनी मार के, फिर ऑटो भी एक गिर गया था, पालटी मारा। अभी इसका कुछ तो उपाय करना चाहिए, यह बार मतलब कोई सेनगर बिल मतलब एक दो गाड़ी गिरा देने से रास्ता प्लेन हो जाएगा फिलहाल, और मतलब अभी सूखा का दिन आने से उसको तो पिचिंग विचिंग कर देना है, उसके लिए अनुरोध करता है रोड को जल्दी बने। हाँ तो रोड को तो जल्दी बने, हम लोग तो बोलना चाहता है रास्ता तो जल्दी बनने से बहुत ठीक है, बहुत गाड़ी में बहुत दिक्कत होता है। कल भी एक लेडीज गिरा स्कूटी लेके, दौड़ के जाके हम लोग दुकान छोड़ कर हमेशा हम लोग जाके उठाता है, कोई बाइक वाला गिर जाता है, कोई भी स्कूटी वाला गिरता है इस जगह में,
बहुत तकलीफ होता है। हम लोग भी दुकान छोड़ छोड़ के कभी कभी दूर दूर के जाके उठाता है। ये रास्ता जो बनने से हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोग यही कहना चाहता हूँ, रास्ता तुरंत हम लोग का बनना चाहिए हम लोग का रास्ता। तो आखिर में हमें इस फाइबर का जो काम करने वाले हैं उसे तो हमें मिल ही गया, तो चलिए जांच पड़ताल करते हैं। अच्छा भाई, ये काम कौन करा रहे हैं आप लोग? अच्छा सर, ये जो फाइबर जो लग रहा है, ये हाँ फाइबर का काम करा रहे हैं क्या आप? हाँ, फाइबर का, आर्मी का। तो सर, सबसे पहले आपने परिचय दे दीजिए आप। हाँ, हमारा नाम है मीमान जदू जी। अच्छा, लेरू का है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ लिखावली में काफ़ी वायरल हो रहा है अभी एक वीडियो। हाँ, कि जगह जगह पर ये जो फाइबर का जो काम कर रहा है चल रहा है, तो इस करने के इस फाइबर काम को करने के कारण यहाँ में जो आपने गड्ढा खोदा है, तो उस गड्ढे के वजह से हर किसी का जो गाड़ी है वो डैमेज हो गया है। तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर काम अगर किया भी है तो इसको प्रॉपरली क्यों नहीं किया गया? डैमेज एक्चुअली एक ही गाड़ी का हुआ है, वो भी गाड़ी मालिक का ही फॉल्ट है। हम जब किसने जा रहा था, हमने बोला है उसको गाड़ी में बैठो, ये स्लोप में था, स्लोप में होने का वजह से गाड़ी मालिक नहीं था गाड़ी में, किसते समय वो स्लोप में होने का वजह से बैक हो करके ये जेसीबी जिसने खींचा है जेसीबी में लग गया है। हमने बोला था उसको गाड़ी में बैठो, क्योंकि ब्रेक लगाना पड़ेगा, किसते समय तो आपको न्यूट्रल में रखना है, तो उसका वजह से हुआ है। और इसका बारिश का वजह से पूरा दब रहा है वो। बिल्कुल, वो बात तो सही है। आपने हाँ, जिस तरह से अभी कहा कि हाँ, उस गाड़ी जो गाड़ी ड्राइवर उनका गलती है सर, वो तो है, लेकिन सिर्फ वही गाड़ी नहीं, हमें बहुत सा गाड़ी जो है वायरल हो रहा है। बहुत सा गाड़ी है जो फंसा हुआ है, बम्पर जो है जो फंस के बम्पर का आगे तक जाके बहुत सा गाड़ी फंसा हुआ था। हमने भी बहुत सा गाड़ी निकाल दिया है, और ये से जेसीबी से ये करके बहुत सा गाड़ी निकाल दिया है ये। लेकिन हमारा हिसाब ये में आपको दो दिन का बारिश होने का वजह से है, धूप होता तो ऐसा सिचुएशन नहीं आता था, क्योंकि हम लोग धूप होगा बोल करके उस हिसाब से किया था उसमें है। लेकिन आपको ये दो दिन का तीन दिन का आपको इनकन्वीनियंस है, लेकिन बाकी कहाँ बहुत सा जगह पर है, हम लोग साल साल में ये में आपको इनकन्वीनियंस फील हो रहा है, उसको नहीं करके बोल करके यही सिर्फ क्यों बोलता है आदमी लोग? हाँ, प्रॉब्लम हम भी अंडरस्टैंड करता है, हम भी सोशल सर्विस बहुत किया हुआ है, लेकिन इसमें दो तीन दिन का ये है, बारिश होता था तो हमने इसको कोई कंप्लेन आने नहीं, बारिश नहीं होता था तो हम कोई कंप्लेन आने नहीं देता था। हाँ, बारिश का वजह से इनकन्वीनियंस पूरा होगा, हम ये सोसाइटी से या जो भी ये से हम रिक्वेस्ट करता है, इतना छोटा को बड़ा नहीं बनाना चाहिए, बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए इतना छोटा इशू को। लोग का यही कहना है कि, और एक सवाल है उन लोगों की तरफ से सर, कि ये जो रोड, ये जो आप फाइबर के जो काम कर रहे हैं, ये बस बरसात के मौसम में ही क्यों किया जाता है? हर काम जो है बरसात के मौसम में ही किया जाता है। आफ्टर दैट सर, ये जो काम का जो है जो परमिशन है वो आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से लिया कि या नहीं, किस तरह से नहीं? इसमें आपको रोड का होता है, रोड जिसका रोड है इसका राइट ऑफ वे होता है, इसका राइट ऑफ वे आपको मान लीजिए प्लेन एरिया में 30 meters है, आपको हिल एरिया में 24 meters है, इसका जिसका रोड है उससे ही हम लोग परमिशन लेता है। उसमें आपको बीजी सबमिट करता है, एनी डैमेजेस होगा कोई उन लोग हिसाब करके डैमेजेस को बीजी से बीजी जो दे करके रखा है उससे कटेगा, तो इसमें राइट ऑफ वे हम लोग लेता है। ये इसका हो गया, BRTF का हो गया या NSDCIL का हो गया, हम लोग राइट ऑफ वे उन लोग से लेता है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें ये नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स ये मार्केट एरिया है बोल करके पूरा हमारे लोकल की नहीं बोल रहा सर, हम मैं बात जो कर रहा हूँ, हमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वही बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोग ये नहीं करते, कहीं भी हमने किया है, हम बहुत सा किया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग इसमें परमिशन नहीं लिया। हाँ, इसका मेन चीज़ होता है कंपनी वाला, कंपनी वाला लेता है नहीं लेता है, हम लोग तो चौथा सा वेंडर है, कंपनी वाला ये किया, हम लोग ऑलरेडी ये किया, बीजी सबमिट किया, राइट ऑफ वे परमिशन मिल गया, बोलने से हम लोग काम करता है और सिस्टम वही है। ये कौन से कंपनी का काम किया जाए? ये कंपनी आपको प्रताप टेक्नोक्रेट लिमिटेड का है, प्रताप टेक्नोक्रेट लिमिटेड का है, उसमें आपका ये है
आईटीआई का है, आईटीआई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसने लिया है मेन चीज़ डिफेंस से, तो उसने टेंडर किया है, उसको प्रताप टेक्नोक्रेट को मिला है, प्रताप टेक्नोक्रेट से हम लोग लिया हुआ, हम लोग वेंडर है। सर ये जो कनेक्शन जो है जो लगा रहे हैं आप लोग, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये हम लोग ये से आपको आर्मी मेन ये से लेकर के आपको उधर तक गारू तक हम लोग लिया हुआ है, गारू से आगे दूसरा बेंदौर लिया हुआ है, गारू से बामे तक दूसरा बेंदौर लिया हुआ है। तो सर चलिए ठीक है, आपने इस समस्या के बारे में आप लोगों को अपने बता ही दिया। तो सर ये काम जो है यहाँ जो फिलहाल में अभी जहाँ जहाँ गड्ढा हो रखा हुआ है इधर में जहाँ जहाँ गड्ढा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ गड्ढा है इस तरह से, जैसे आप कह रहे हैं आप हेल्प भी कर रहे हैं, आपने गलती को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ मेरे वजह से ये रास्ता से कुछ हो गया, तो आप हेल्प भी कर रहे हैं उसके बदले, तो अभी आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी आपको लोग को यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये बारिश का वजह से आपको जो भी काम कर रहा है उसमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा और धूप हो जाए धूप हो जाएगा तो उसमें हम लोग आराम से इसको सेट राइट कर लेगा, इसमें जितना भी आपको रेक्टिफाई करना है जो भी करना है तो भी कर पाएगा। अभी फिलहाल तो हाँ चौथा मुद्दा हम लोग पूरा बंद करने के लिए कोशिश कर रहा है, हमने सैंड ग्रेवल भी कल गिराया था, सक्सेस नहीं हुआ है, उल्टा उसमें पस रहा है, तो इसीलिए हमने सैंड ग्रेवल भी गिराना बंद कर दिया। और फिलहाल ऐसे भी तो आपको पानी भरा होने का वजह से नदी से सैंड ग्रेवल नहीं मिल पा रहा है, हम जब काम ये किया ना हमने अब इसमें पहले ही हम इसको करना था, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो असम बीएन का उधर तो करके रखा हुआ था, तो बारिश का समय में इसको नहीं करेगा बोल करके हम बजट सेक्रेटरी से भी बात किया था, बजट सेक्रेटरी हमको पूछा था आप शुरू नहीं कर रहे हैं क्या, नहीं तुरा धूप होने दीजिए बोल करके हमने काम को तुरा पेंडिंग रखा हुआ था। ऐसा बहुत सा जगह में है हम पेंडिंग रखा हुआ है, जब धूप होगा करेगा बोल करके, जहाँ प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। हाँ यहाँ आपको उस समय में धूप था तो बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन रात को अचानक बारिश शुरू हो गया, जैसे आपको 11 बजे से शुरू हुआ है बारिश। सर तो यहाँ बाजार सेक्रेटरी से क्या क्या बात हुई? बाजार सेक्रेटरी से हमने ये काम शुरू कर रहा है, आप ये करने दीजिए, हम लोग तकलीफ तो थोड़ा बहुत तो होगा, बाजार सेक्रेटरी बोल रहे हैं आप कीजिए थोड़ा होशियारी से कीजिए, वो ये कहीं डैमेज नहीं हो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन हमारा भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, हम भी ये नहीं देख रहा था कि आपको बारिश इतना होगा प्रॉब्लम आएगा, हम भी नहीं देख रहा था, तो बारिश नहीं होगा बोल करके हम भी देख सोच करके उस दिन भी, तो आपको 19 को तो धूप था बहुत हैवी धूप था, तो उस हिसाब से आपको 20 को नहीं होगा बोल करके, और संडे था, संडे में मार्केट बंद रहता है, तो इसीलिए संडे को राइट टाइम है बोल कर सोच करके हमने किया था। हाँ थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस हुआ है ये, लेकिन आपको कितना और काल धूप हो जाएगा तो आप काली ठीक हो जाएगा, और जितना सेट राइट करना है हम कर देगा, मतलब आप अपने काम हाँ। को लेकर इस गलतियों का एक्सेप्ट करते हैं आप? हाँ थोड़ा इनकन्वीनियंस तो पब्लिक को हुआ ही है, वो तो हम मानना ही पड़ेगा ना, एक्सेप्ट करते हो। हाँ तो जैसा आप लोगों ने अभी देखा, हाँ सर ने कहा कि इस बारिश के कारण ये काम ऐसा हो गया है, तो इस खबर को लेकर हम आपको पल पल की खबर हम देते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।